नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित टीकमगढ़ नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सहित टीकमगढ़ सहित जिले में शुक्रवार शाम 6 बजे से लागू 60 घंटे का लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और नगर में अवस्थी चौराहे, पपोरा चौराहा आदि पर कलेक्ट्रेट के पास रोको टोको अभियान के तहत नगर पालिका और पुलिस ने बिना मास्क घूमते लोगों पर चलानी कार्रवाई की। वहीं हमारे संवाददाता ने नगर के लोगों से लॉकडाउन के बारे में चर्चा की तो लोगों ने कहा। राशिद जी, ये बताएं, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लॉकडाउन की अपेक्षा आप सख्तियां बढ़ाएं लोगों पर और थोड़ा डिसिप्लिन बनाएं और लोगों को बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। क्या लॉकडाउन लगने से लोगों के अंदर एक भय होता है कि हम शायद कल मजदूरी ना कर पाए, लोगों को परेशानियां पैदा होंगी और उससे क्या होगा सर, आप और पीछे जा रहे हैं। आप जैसे आज कोई कोरोना पॉजिटिव है या कोई उसका वो है, उससे एक तो भय हो रहा है, लोगों को बताएं, उसकी जागरूकता बढ़ाएं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसन में रहें और कठिनाई से उसका पालन किया जाए। लेकिन किसी रीजन का लॉकडाउन लगाने से कोई परिणाम नहीं निकलता, इसलिए नहीं निकलता सर परिणाम किसी भी रीजन का। जैसे आज गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इतनी महंगाई में, आज किसी भी चीज़ को आप जोड़ लें, चाहे वो तेल हो, चाहे आप पेट्रोल हो या कोई भी प्रकार की वस्तुओं को देख के आप देखें कितनी महंगाई। अगर लॉकडाउन होता है तो लोगों में क्या होगा बताइए आप? कोरोना से ना मरेंगे तो ऐसे लोग ज़्यादा मरेंगे। आप प्रशासन से ये है कि सख्तियों कराना दें, लोग काम करेंगे, भय बनाए रखें कि लोग एक दूसरे से ना जुड़ें, भीड़ ना लगाएं, इकट्ठे ना हो और अपनी चीजें भी खरीदें और रोजमर्रा की जिंदगी में अपना व्यतीत करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।